जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भावसर। जिस बात का हमें डर था वही बात अब हो रही है। डोंबिवली कल्याण, जहाँ के 2 लॉन्ड्री ओनर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जहाँ पे भी अगर आपका लॉन्ड्री शॉप है कंटेनमेंट जोन में आ रहा है या रेड जोन में आ रहा है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ये जो लॉन्ड्री बिजनेस है ना, कपड़ों से रिलेटेड है और कपड़ों पे कोरोना वायरस कम से कम 9 से 10-12 घंटे तक एक्टिव होता है। तो काफ़ी सारी सावधानी लेनी पड़ेगी फ्रेंड्स। और अभी 18 मई से आगे थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ जाएगा, या फिर हमें थोड़ी सुविधा मिल जाएगी शॉप खोलने की, कस्टमर्स आने की, ऐसा हो सकता है। होगा ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन जो भी लोग अगर लॉन्ड्री बिजनेस कर रहे हैं, लॉन्ड्री का काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि लॉन्ड्री शॉप में काम करने के वजह से ही कोरोना हुआ होगा। लॉन्ड्री शॉप ओनर है तो बाहर कहीं पे इफेक्टेड हुए होंगे, कहीं पे गए होंगे, या कोई उनके कॉन्टेक्ट में आया होगा, इस तरह से हुआ होगा। लेकिन मेन अभी पॉइंट ये है कि अगर हम लॉन्ड्री शॉप ओनर है, हमें अगर शॉप खोलनी पड़े या हम अगर सर्विस देना चाहिए, पैसों की तंगी है, काफ़ी सारा खर्चा होता है, रेंट देना होता है, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देना होता है, काफ़ी सारी हमारे पास प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम हमारा बिजनेस खोलना चाहते हैं, शॉप खोलना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। काम करना है तो बहुत ज़्यादा केयरफुली कीजिए, और अपनी जान तो हम रिस्क में डालते ही हैं। हमारे कॉन्टैक्ट में जितने लोग आते हैं ना, हमारे फैमिली, हमारे दोस्त, जो भी लोग हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं, सबको प्रॉब्लम होती है। एक आदमी अगर कोरोना पॉजिटिव होता है, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उनके फ्रेंड, जिन जिन लोगों के साथ वो कॉन्टैक्ट में आए थे ना, सबको क्वारंटाइन होना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में ही क्वारंटाइन हो। आपको अगर गवर्नमेंट कोई प्लेस प्रोवाइड करता है ना, तो वहाँ पे भी क्वारंटाइन होना पड़ता है। अगर सपोज आपको अगर हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो वो सिर्फ एक दीवार को ही देखेंगे, आप सिर्फ लोगों को देखेंगे, बीमार लोगों को देखेंगे, उसके वजह से ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इससे अच्छा है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अभी से ज़्यादा आप अपनी खुद की क्योर कीजिए, अपनी फैमिली की क्योर कीजिए। और लॉन्ड्री बिजनेस अगर करना पड़ा या काम करना पड़ रहा है आपको, तो काफी ज्यादा केयरफुली किट यूज कीजिए, आप मास्क यूज कीजिए, ग्लोव्स यूज कीजिए, और सबके लिए यूज कीजिए। सिर्फ लॉन्ड्री शॉप ओनर नहीं, आपके पास जितने भी कारीगर हो ना, सबको प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। कस्टमर जब शॉप में कपड़े डालता है, कपड़े शॉप में डालने से लेके कपड़े की प्रोसेसिंग, टैगिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, स्टेन फाइंड आउट करना होता है, सारा कुछ, फिर मशीन में हम जब तक डालते हैं कपड़े, तब तक पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको केयरफुली काम करना पड़ेगा, सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा। और वॉश करने के बाद में या बिटवीन वॉश प्रॉब्लम नहीं है, उससे पहले ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है फ्रेंड्स। और कोरोना संक्रमित होना, कोरोना पॉजिटिव होना और मर जाना, सपोज अगर कोई इसमें डेड होता है ना, तो हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। हम कोई ड्यूटी पर शहीद हुए लोग नहीं है, या बॉर्डर पे शहीद होने वाले लोग नहीं है। हम मिडिल क्लास लोग हैं जो हमारा लॉन्ड्री बिजनेस चलाते हैं, और हमारे लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है। हम अगर मर जाएंगे ना, तो हमें कोई शौर्य या फिर चलो ये ड्यूटी करते करते मर गए तो इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी या कुछ अनुदान देगी, फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें हमारी फैमिली सिक्योर रखना है ना, तो हमें खुद सिक्योर रहना पड़ेगा, हमें खुद अच्छा रहना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा। काम करके बिजनेस से पैसा आएगा ना, वो बात अलग है। लेकिन अगर हमें कुछ हो गया, तो हमारी फ्यूचर, हमारी फैमिली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका क्या होगा, वो ध्यान में रखना जरूरी है। रेड जोन में हो, कंटेनमेंट जोन में हो, तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एडवांस नहीं कीजिए, जिसे हम मराठी में बोलते हैं ना, आगाऊपना नका करूं। बस यही मैं कहना चाहता हूं। और अगर आपके शहर में भी कोई एक पेशेंट है ना,
तो भी आपको केयरफुली रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। एक पेशेंट हो, 10-20 पेशेंट हो, तो आपको केयरफुली रहना पड़ेगा। आपको पता नहीं है आपकी शॉप पे कौन कपड़े ला रहा है, कहां से ला रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और हम ले लेंगे, चलो भी हमारा काम है बिजनेस करना। सबसे ज्यादा खतरा मुझे तो लगता है ना लॉन्ड्री बिजनेस के लिए लगता है, बार्बर्स जो हमारे भाई लोग बंधु जो है, जो बार्बर्स हैं, उनके लिए ज्यादा खतरा होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको फ्री नहीं किया है। रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन में उनको फ्री नहीं किया है। और ऐसी काफी सारी सर्विस देने वाले जो हम लोग हैं, मिडिल क्लास होते हैं, हम छोटा मोटा ही बिजनेस करते हैं, ज्यादा रिस्क में है, हम पैसा कमाएंगे वो बात अलग है, लेकिन अगर इससे कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी। और कोरोना से अगर अनफॉर्चुनेटली अगर इन्फेक्टेड हो गए, मर गए ना, तो हमारे बहुत ज्यादा नुकसान होगा फ्रेंड्स। तो बस यही मुझे भी काफी बुरा लग रहा है जो लॉन्ड्री ओनर्स हैं। अभी हमको ज्यादा केयरफुली काम करना पड़ेगा, ज्यादा डर डर के काम करना पड़ेगा। बट अगर रेड ऑरेंज जोन में हो, ग्रीन जोन में हो, तो ठीक है कि चलो भाई हम केयरफुली तो करेंगे ही, लेकिन चांसेस कम रहेंगे। बट अगर डोंबिवली, कल्याण, मुंबई, पूना, नासिक, मालेगांव, ऐसे अगर नागपुर, ये तो सिर्फ महाराष्ट्र के ही शहर मैंने बताए हैं, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, जहां जहां पे कोरोना पॉजिटिव की काफी सारी मार्जिंग है, तो ऐसे जगह पे ज्यादा केयरफुली काम करना पड़ेगा। या फिर काम नहीं भी किया तो भी चलेगा, जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलती है हमें शॉप खोलने के लिए, तब तक हमें नहीं खोलना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हो, क्या सजेशन देना चाहते हो लॉन्ड्री शॉप ओनर्स को, तो प्लीज कमेंट में बताइए अपने सजेशन। जो भी सजेशन मुझे अच्छे लगेंगे मैं उसको अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करूंगा फ्रेंड्स। और अभी कमेंट करना बहुत ही इजी हो गया, वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स आ जाता है, अभी आप कमेंट कर सकते हो, लोगों के कमेंट भी पढ़ सकते हो, और अपने सजेशन मुझे दीजिए, काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझसे कई गुना ज्यादा लॉन्ड्री शॉप एक्सपीरियंस होल्डर हमारा चैनल देखते हैं। तो प्लीज हमारा आपका सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यही तक थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना, और प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लॉन्ड्री ओनर्स भाइयों में ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद फ्रेंड्स।